इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं लेप्रोसी, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर सोशल फार्मेसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक है। मैंने अभी आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, जो मेरे पास सॉल्यूशन पेपर है आप सभी लोगों के डी फार्मा ऑल के, तो उनमें देखा तो ये लेप्रोसी टॉपिक एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। जैसा कि सोशल फार्मेसी में इस बार भी ये टॉपिक आने वाला है, तो आप सभी लोगों को एक चुटकियों में ये टॉपिक लर्न करवाऊंगी मैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये लेप्रोसी के मैंने कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंट लिखे हैं जो आपको एग्जाम में जरूर ही लिखना है। और यहाँ पे रहा पूरा लेप्रोसी से रिलेटेड आपको डेफिनेशन, फिर उसके पूरे हेडिंग्स कैसे डालने, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके लिखना है, हिंदी में सिर्फ नहीं लिखना है, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो हेडिंग्स हमेशा इंग्लिश में डालना है। आइए जानते हैं, एक बच्चे का बहुत कमेंट आ रहा था, दीदी हेडिंग कैसे डालना है ये भी बता दीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग लेप्रोसी टॉपिक क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जानिए। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है लेप्रोसी, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, फिर उसके बारे में लिखना है। डेफिनेशन कैसे लिखनी होगी, डेफिनेशन देखिए सिर्फ टू पॉइंट से हम आपको ट्रिक से लर्न करवाएंगे, आप यहीं से लर्न करके जाओगे। और खुद अभी वीडियो को एंड होने के बाद इसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है, वीडियो के एंड होने के बाद। और खुद से आप ऐसा ही सेम लिखने की कोशिश भी करोगे, कितने वर्ड्स हैं, वर्ड्स भी गिन सकते हो, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे 5, 6, 7, 8, ऐसे 10 वर्ड्स हैं कुल मिला के। सिर्फ इन्हीं 10 वर्ड्स को आप मीनिंग्स को लर्न करके एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। लेप्रोसी टॉपिक सिर्फ सोशल फार्मेसी में नहीं, डी फार्मा के ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जिनमें लेप्रोसी टॉपिक पूछा गया है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले देखिए लिखना है आपको लेप्रोसी, डेफिनेशन डालनी है, लेप्रोसी होता क्या है इसके बारे में जानिए। लेप्रोसी कुष्ठ रोग होता है, एक बीमारी होती है, ठीक है, जिसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम। ये याद रखना है आपको, कुछ भी लिखना है बस ये याद रखना है, ठीक है। मैं डेफिनेशन आपको एकदम कहानी की तरह सुनाऊंगी जिसे आपको लर्न हो जाएगी। लेप्रोसी जो बीमारी होती है ये माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होती है, ठीक है, इसके कारण जिसे कुष्ठ रोग, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी के बॉडी में व्हाइट व्हाइट से सेप्स आ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, तो उसी को लेप्रोसी या कुष्ठ रोग कहते हैं। वो किसके कारण होता है, तो वो होता है माइकोबैक्टीरियम, जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसके कारण ये होता है। अब ये कैसे फैल जाता है मनुष्य में, क्या छोटे से ही रहता है या फैल जाता है, ये जानेंगे। और ये जो बैक्टीरिया होता है वो मुख्य रूप से किसको एक्सक्रीनेट कर है, नाक की परत को, जो नोज की लेयर्स होती है, स्लेस होती हैं, उनको इफेक्टिव करता है, ठीक है, एक्सट्रीमुलेट करता है। और लेप्रोसी डिसीज जब होता हो जाती है तो वो त्वचा, जो स्किन होती है, उसके घाव को क्षतिज करता है, कम करता है, ठीक है, कमजोर करता है, जिसके कारण बहुत पेन होता है। और इसका इलाज ना करने पर ये बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप लेता है, मतलब कि ये डिसीज जो होती है वो पूरे बॉडी में फैलती रहती है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, सिर्फ टू पॉइंट आपको याद रखना है। लेप्रोसी क्या है इसके बारे में आप जान गए होंगे कि लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग होता है वो किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। और सबसे ज्यादा किससे इफेक्टिव होता है, किससे फैलता है, एक्सक्रीनेट होता है, किससे, नाक की परत से। और इसकी बीमारी, इस बीमारी की इलाज ना करवाने पर ये पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। इतनी आपको डेफिनेशन लिखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इतना ही आपको लिखना है। अब इसका नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको डिसीज स्प्रेड, डिसीज फैलती कैसे है, क्योंकि किसी भी बच्चे में ये डिसीज जन्म से ही नहीं होती है, ठीक है। ये डिसीज जैसे कि कुछ लोग के संपर्क में आने में, जैसे कि आप लोग मार्केट गए या कहीं पे भी गए, तो अगर लेप्रोसी वाला व्यक्ति आपके सामने खांस रहा है या छींक रहा है, तो ये माइकोबैक्टीरियम जो डिसीज कीटाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वो जाके सीधे नाक की परत, जो नोज का लेयर होता है, उसी में जाके घुस जाता है, ठीक है, उसी को इफेक्टिव करता रहता है, उसी से ये डिसीज फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन इतना ही है कि कैसे फैलती है, और ये धीरे धीरे करके फैलती जाती है पूरी बॉडी में। और ये इसकी खासियत क्या है कि अगर ये बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में इंसेक्ट कर गया है, तो वो 5 से 20 साल तक कोई भी अपना इफेक्ट नहीं शो करेगा, अंदर ही अंदर घाव बनाता रहेगा, और फिर जाके बाद में निकलता है 20 साल बाद कि हाँ, थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ ये लेप्रोसी हो रहा है, कुष्ठ रोग हो रहा है, अब इसका इलाज करवाना चाहिए। इस वजह से आप लोग कहीं पे भी कोई भी चीज खरीदते हैं खाने के लिए, तो उसे घर पे ले आइए या कहीं पे भी वॉश करिए अच्छे तरीके से, फिर उस फ्रूट को या कुछ भी खाइए।
ठीक है। तो ये लेप्रोसी डिसीज बहुत ही बेकार होती है, क्योंकि देखने में तो बेकार होती ही है और क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है, क्योंकि जो इनके होती है उनकी जो मांसपेशियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। अब इनके सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स किस कारण ये फैलती हैं, ठीक है, इनके लक्षण क्या है, अगर ये डिसीज हो जाती है तो क्या क्या लक्षण इफेक्ट होते हैं, मतलब कि निकलते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को ये डिसीज हो सकती है, आशंका लगाई जा सकती है। तो इसका क्या कारण होता है, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, हाथ पैर में दर्द होता है और धुंधलापन जैसे कि व्हाइट व्हाइट सा हो ही जाता है, सभी को पता है। और जो त्वचा होती है स्किन को थोड़ा थोड़ा मतलब क्षतिज करने लगता है, उनको कम करता है, ठीक। तो ये 3 पॉइंट आपको डालना है इनके लक्षण। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इनका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है भैया अगर किसी को हो गया है। तो ये जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1995 में सभी प्रकार के कुष्ठ रोग, जितने भी लेप्रोसी डिसीज थी, उन सभी के लिए फ्री में मल्टी थेरेपी जो है डिसीज को ट्रीट करने के लिए चलाया था, ठीक है। तो ये फ्री में है, पूरे मतलब इंडिया में है। मल्टी थेरेपी के कारण इसके जो बैक्टीरियाज होते हैं, कीटाणु होते हैं, एंटीबायोटिक्स को जीवाणु को मार के इनकी डिसीज की ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। अब आपको इनकी मेडिसिन्स के बारे में लिखना है। तो देखिए मेडिसिन्स के यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, ओनली 5 हैं। डेप्सॉन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो इन सभी के बारे में क्लासिफिकेशन सब कुछ पढ़ना रहेगा, डेप्सॉन, रिफाम्पिन, क्लोफाजिपिन, माइनोसॉक्लिन और ओफ्लोक्सासिन। तो ये हो गई इनकी डिसीज की मेडिसिन। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लेप्रोसी क्या है। इसका PDF ये बुक वाला भी मैं आपको सेंड कर दूंगी कि आपको बुक में सिर्फ इतना ही याद करके आप इतना सा लिख सकते हो अपने एग्जाम की कॉपी में, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, एकदम मेन पॉइंट लिखे हुए हैं कि ये पॉइंट आपको जरूर लिखना है। इतना आपको याद हो जाएगा तो उतना आराम से याद हो जाएगा। तो जब अगर हम लोग कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो अपने घर में लॉक लगाते हैं, लॉक लगाने के लिए एक की, एक चाबी जो होती है वो ही हमारे पूरे घर को सेव रखती है ना। तो उस टॉपिक को कवर करने के लिए ये आपके लिए एक चाबी की तरह वर्क करेगी, एक की है। तो इतना आप लर्न कर लोगे तो वो पूरा ही अपने आप लर्न हो जाएगा। ऐसे ही सभी टॉपिक्स को मैं फर्स्ट ईयर का कवर करवाऊंगी, बस आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए जिन भी स्टूडेंट्स को आगे पढ़ना है या और पास होना है, क्योंकि एग्जाम डेट तो आ गई है और टिप्स भी मिलती रहेंगी कैसे क्या करना है आपको टाइम टाइम पे, कि कैसे कौन से सिलेबस कवर करना है और कैसे कैसा नोट्स बनाने है, कि एग्जाम टाइम में अगर आप जा रहे हो तो 1 घंटे के अंदर पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिविजन कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मज़ेदार ट्रिक है जिसको मैंने खुद पढ़ा था और एग्जाम में 75% लाई हैं। तो आप भी कर सकते हो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करके जल्दी से जल्दी, अगर आपका कोई फ्रेंड हो तो जल्दी शेयर करो, और इंस्टा भी सब लोग चलाते हो जल्दी से वीडियो को शेयर करो, चैनल को शेयर करो। अगर कोई भी डाउट है कमेंट ना। थैंक यू, टू के आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस, सब्सक्राइब।